नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीपसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म राधे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करने वाले हैं दूसरी मूवी यानी कि हंगामा 2 के ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि इन दोनों मूवियों ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि सलमान खान की मूवी राधे इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया और सलमान खान ने बहुत ही सही सा डिसीजन लिया। इस फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक ने कोई अच्छा खासा रिव्यू नहीं दिया, लेकिन सलमान खान का स्टेटम इतना ज्यादा था कि यह फिल्म ने अपने पहले ही दिन ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर 104 करोड़ रुपए का कारोबार किया। राधे फिल्म में आप लोगों को नजर आई हैं दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जेकी श्रॉफ, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों राधे फिल्म में जो कि डायरेक्ट किया है प्रभु देवा सर ने, और इस फिल्म में बहुत ही जोरदार तरीके से एक्शन डाले गए हैं जो कि ऑडियंस को पसंद भी आया, और ऑडियंस ने पहले ही दिन अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं दूसरे दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म की, यानी कि राधे फिल्म ने अपने दूसरे दिन ओटीटी पे कितने करोड़ रुपये का कारोबार किया। दोस्तों आप लोग बता दें कि राधे फिल्म ने 71 करोड़ रुपये का कारोबार किया अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। वहीं तीसरे दिन की बात करें राधे फिल्म ने, तो राधे फिल्म ने थोड़ी सी कम ग्रोथ दिखाई, और दोस्तों आप लोग बता दें तब भी इस फिल्म ने 55 करोड़ रुपए का कारोबार किया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और सारे हेटरों के मुंह पे जोरदार तरीके से तमाचा मारा सलमान खान की फिल्म राधे मूवी। दोस्तों इस मूवी को अभी भी प्यार मिल रहा है और अभी भी सपोर्ट मिल रहा है। ये फिल्म आज के दिन यानी कि अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे राधे फिल्म जो कि 8 लाख का कारोबार कर रही है। दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि ये फिल्म आज के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 8 लाख का कारोबार कर पाएगी नहीं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं राधे फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोग बताइए चले कि राधे फिल्म ने जो कि टोटल ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपना जो कि 600 करोड़ रुपए आंकड़ा पार कर दिया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने राधे मूवी देखी थी, आप लोगों को राधे मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आप लोग बताया चले कि परेश रावल की फिल्म दूसरी मूवी हंगामा 2, ये हंगामा 1 का सीक्वल है। ये हंगामा 2 जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार है, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में आप लोगों को शिल्पा शेट्टी परेश रावल के साथ नजर आएंगी, जो कि जोरदार तरीके से कॉमेडी करते हुए नजर आ रही हैं। इस फिल्म का बस अच्छा बना हुआ था, इस फिल्म का ट्रेलर बहुत जोरदार था और बहुत ही शानदार था, और परेश रावल की एक्टिंग बहुत ही जोरदार रहती है। जिस मूवी में वो रहते हैं उस मूवी में जान डाल देते हैं। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आप लोग बता दें कि ये फिल्म आज के दिन रिलीज कर दी गई है ओटीटी पे, और ये अपने पहले दिन अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दिखा रही है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म आज के दिन बहुत ही जोरदार तरीके से कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि हंगामा फिल्म आज के दिन ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये का कारोबार करी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना बोले। दोस्तों और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि इसमें सबसे जोरदार एक्टिंग किसकी लगी हंगामा 2 में। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि सलमान खान की मूवी राधे फिल्म को पीछे छोड़ देगी कि नहीं, आप लोग हमें ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना बोले। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीपीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले।